मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। मैं उज्ज्वल और आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैट केयर पर। आज की वीडियो मैं दिखाना चाहता हूं ये वाइट स्पॉट जो पड़ गए हैं कैल्शियम के, और आज इस अंदर के रॉड और इस ग्लास को साफ करेंगे। और इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि ये बिल्कुल नेचुरल और एक इको फ्रेंडली तरीके से साफ होंगे, कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र या कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करूँगा, फिशेस को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको मैं एक ऐसी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। और ये स्पॉट्स जो आपको दिख रहे हैं कैल्शियम के, ये कैसे बन जाते हैं, जब आपके एक्वेरियम में हीटर लगा होता है सर्दियों के टाइम में, तो ये पानी जो होता है वो एवोपरेट होता है, मतलब भाप बन के ऊपर जाता है और कैप के साइड से नीचे निकलता है। तो साइड से निकलने से क्या हो जाता है कि ये वाइट स्पॉट्स बन जाते हैं। और ये जो स्पॉट्स हैं ये आपको दो चीज़ों से आप छुटा सकते हैं, अभी आपको मैं दोनों चीज़ें दिखाऊंगा। और बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है ये, कोई भी आपको केमिकल यूज़ करना ही नहीं पड़ेगा और ना ही कोई मछलियों को नुकसान होगा। ये आप नींबू देख सकते हैं, ये है लेमन, इसे इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में नींबू आप सब लोग जानते होंगे, सभी घर में मिल जाएगा। और बिल्कुल आसान तरीका कि इस लेमन को लेना है, इसे आप चाहे निचोड़ लें पर थोड़ा बहुत इसमें रस रहना चाहिए। और एक चाहिए ब्लेड, ये ब्लेड ले लिया है मैंने, शेविंग वाला ब्लेड होता है वो, तो इसे ब्लेड को ऐसे करके, इस वाइट स्पॉट्स हैं इनको ऐसे करके हटाना है। बिल्कुल सीधा सीधा आप चलाइए तो आपके ये वाइट स्पॉट जो हैं जितने भी एक्स्ट्रा बाहर निकले हुए वो ऐसे आसानी से निकल जाएंगे। और इन वाइट स्पॉट्स को ऐसे साफ करने के बाद में आप लेमन से इसे रब करेंगे तो ये सब कुछ हट जाएगा। ये देखिए बहुत ही बारीक थे ये स्पॉट्स, तो ये देखिए सब हट गए हैं। थोड़े बहुत जो बचे हुए हैं वो आप इससे हटा सकते हैं। और कुछ लोग पूछेंगे इसके अलावा भी कोई तरीका है नींबू के अलावा, नींबू के अलावा भी एक तरीका है, पर ये नींबू से साफ करना बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा रहता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। एक तरीका और आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके फ्रेंड जिसके पास भी एक्वेरियम होगा उसे सर्दियों में प्रॉब्लम आ रही होगी, और इस तरीके से आप सारे जो दाग हैं वो साफ कर सकते हैं। अगर आपके एक्वेरियम में बहुत ही ज़्यादा दाग हैं नहीं साफ़ हो रहे तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको एक केमिकल वाला तरीका बताऊंगा जिससे बिल्कुल 100% हो जाएगा अगर इससे आपके नहीं हो रहे हैं साफ। वैसे इससे देखिए हो गए हैं, मामूली दाग तो हल्के फुल्के दाग तो ऐसे ही साफ हो जाते हैं, जैसे ये हो गए। अंदर की जो रॉड है उसे मैं निकाल के इस लेमन में से साफ कर दूंगा थोड़ी देर में। अभी आपको मैं दूसरा एक्वेरियम अभी आपको दिखाऊंगा, उसमें भी थोड़े बहुत पड़े हुए हैं वो भी साफ करूंगा। अभी आगे पीछे जितने भी कैल्शियम के स्पॉट्स पड़े हैं सब मैं इसी नींबू से साफ कर दूंगा। और इसे हल्का सा पानी, हल्के से भीगे कपड़े से आप पोंछेंगे, देखिए बिल्कुल भी निशान नहीं बचे यहाँ पे, और जहाँ पे भी रह गए मैं अभी पूरा साफ़ करूँगा इसको। वीडियो इसलिए बना दी मैंने कि बहुत से लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम है, देखिए इधर भी पड़े हुए हैं, इनको भी मैं अभी साफ़ करूँगा। और देखिए इनको भी नींबू से ऐसे लगा के थोड़ा छोड़ूंगा, और या फिर जो नहीं साफ़ हो रहे उन्हें थोड़ा ब्लेड से करूँगा तो वो साफ़ हो जाएंगे। जितने भी स्पॉट्स आपके एक्वेरियम में पड़ रहे हैं ये हीटर की वजह से, ये सारे साफ़ हो जाएंगे, आप घबराए बिल्कुल ना। कमेंट करें कोई भी तरीके का आपका टॉपिक हो जो जिस पे आप वीडियो चाहते हैं, मैं बना दूंगा और किसी भी तरीके की हेल्प हो मैं कर दूंगा। कोई भी एक्वेरियम से रिलेटेड प्रोडक्ट चाहिए हो तो नीचे कमेंट्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ये बड़ा एक्वेरियम है मेरा 4 फीट का, और इसमें मैंने देखिए 2 हीटर लगा दिए हैं, ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, एक से काम नहीं चल पा रहा था और वाइट स्पॉट्स की वजह से। तो इसके ऊपर की जो एक ग्लास है इस पर भी वाइट स्पॉट्स कुछ आ गए, इसको भी मैं इस नींबू से साफ़ करता हूँ, कम से कम हफ्ते में एक बार तो करना ही पड़ता है क्योंकि बहुत सारे स्पॉट्स पड़ जाते हैं, क्योंकि हीटर जो है वो 30 पे लगा हुआ है, 30 डिग्री सेल्सियस पे, और पानी जो है वो गर्म होता है, थोड़ा बहुत भाप बनता है तो ये साइड से निकलता है। तो ये वाइट स्पॉट्स जो हैं वो इस नींबू से मैं साफ़ करता रहता हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि ये जो नींबू है इसको आपको अंदर नहीं डालना है एक्वेरियम के, क्योंकि इससे पीएच लेवल जो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन ये बढ़ जाता है, इसलिए पीएच लेवल ना बढ़ जाए इसलिए अंदर तो नहीं डालना है। अंदर का अगर साफ़ करना तो पानी निकाल लीजिएगा फिर इससे साफ़ करिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको कुछ भी टॉपिक में समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपका रिप्लाई बहुत जल्दी करूँगा। वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।